20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 15 अक्टूबर से महाराष्ट्र में आदर्श आचार संहिता लागू है। इस दौरान पुणे ग्रामीण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सोमवार को 5 करोड़ रुपए जब्त किए। खेड़ शिवपुर प्लाजा के पास एक कार से कैश जब्त की गई। इसको लेकर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने दावा किया कि एकनाथ शिंदे नेतृत्व वाली शिवसेना के एक विधायक की कार से कैश जब्त की गई। एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार शाम को मुंबई बेंगलुरु राजमार्ग पर खेड़ शिवपुर टोल प्लाजा के पास पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया था। नाकाबंदी के दौरान सतारा की ओर जा रही एक इनोवा कार को रोका गया। जब कार की तलाशी ली गई तो उसमें सवार 4 लोगों के पास से 5 करोड़ रुपए जब्त किए गए। 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 15 अक्टूबर से महाराष्ट्र में आदर्श आचार संहिता लागू है। इस दौरान पुणे ग्रामीण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सोमवार को 5 करोड़ रुपए जब्त किए। खेड़ शिवपुर प्लाजा के पास एक कार से कैश जब्त की गई। इसको लेकर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने दावा किया कि एकनाथ शिंदे नेतृत्व वाली शिवसेना के एक विधायक की कार से कैश जब्त की गई। एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार शाम को मुंबई बेंगलुरु राजमार्ग पर खेड़ शिवपुर टोल प्लाजा के पास पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया था। नाकाबंदी के दौरान सतारा की ओर जा रही एक इनोवा कार को रोका गया। जब कार की तलाशी ली गई तो उसमें सवार 4 लोगों के पास से 5 करोड़ रुपए जब्त किए गए।